मायनी मैं किनु आखा मायनी मैं किनु आखा दर्द विछोड़े दहालनी मायनी मैं किनु आखा। बीस साल तक शोबिज इंडस्ट्री से वाबस्ता रहने वाले एक शख्स ने अपनी बकिया जिंदगी एक कब्रिस्तान के नाम कर दी। ये कहानी है मुल्तान के इलाके नवाबपुर के रिहायशी साजिद नवापुरी की, जो अपनी ज़िंदगी के अव्वल हिस्से में रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक रहे, कई सरायकी फिल्मों और ड्रामों में काम भी किया, नेज़ स्टेज परफॉर्मर भी रहे, मगर 2014 में उन्होंने ये सब छोड़ दिया और अपनी ज़िंदगी एक कब्रिस्तान के नाम कर दी। साजिद भाई, आप ये बताएं कि आप जब कब्रिस्तान में आए हैं, उससे पहले इसकी क्या हालत थी और आपने 10 साल यहाँ पे काम किया, अब इस कब्रिस्तान की क्या हालत है? पहले इसकी हालत ये थी कि इधर के लोग जो आसपास के थे ना, वो जितना भी घर का कूड़ा होता था, इवन के पैंपर तक लोग इधर कब्रिस्तान के अंदर फेंकते थे, नशे इधर होते थे और झाड़ियाँ ये इतनी होती थी नीचे कि नीचे से बंदा बहुत कम गुजरता था। दरवाज़ों की कोई लोकेशन नहीं थी, वो सारे ख़राब हुए पड़े थे, ठीक है ना। मैंने आकर इनको कोशिश की है इसको चेंज करने की। ये बताएं कि आप ये सारा काम अपनी मदद आपके तहत करते हैं या लोग यहाँ पे आपकी हेल्प करते हैं या लोग आपकी तनकीद करते हैं, तो लोगों का क्या रवैया आपके साथ? पहले तो लोग बड़ी तनकीद करते थे, मुझे नहीं करते थे, मेरे दोस्तों को कहते थे ये मेंटल तौर पर ये इसका दिमाग ख़राब हो गया है, पता नहीं इसको क्या हो गया या इसको जिन्होंने इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया, इस तरह की ये अजाने आ रही हैं। तो यही हाल था, लेकिन मैंने अपनी मदद आपके तहत इसलिए काम ये शुरू किया था क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट था, तो मैं बड़े बड़े लेवल पे जो है जमशेद के साथ मैंने परफॉर्मेंस की है, बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ मैंने की है, तो मैंने चाहा है कि कम से कम इस फील्ड को थोड़ा आगे बढ़ाएं क्योंकि ये कब्रिस्तान ये है ना, इसमें कोई नहीं आता, तो मैंने कहा इससे उससे ज़रा हट के मैं कुछ कर लूं, एक तो अपनी बचकिश भी होगी और मेरे माँ बाप की भी बचकिश हो जाएगी। अच्छा, अब सवाल ये है कि आप फिल्म इंडस्ट्री में थे, ड्रामों में, सराइकी फिल्मों में काम कर रहे थे, आपने कोई और फलाही काम क्यों नहीं चुना? यतीम बच्चों की कफालत हो गई या और किसी, सिर्फ कब्रिस्तान को ही आपने क्यों चुना? मैंने कब्रिस्तान को इसलिए फोकस किया है क्योंकि लोगों का इस साइड पर किसी का रुझान नहीं है, तो मैंने कहा है कि थोड़ा सा लोगों को बारिश का मैं पहला कतरा बनाऊं, तो मैंने कहा है और भी बनेंगे इंशाल्लाह। मैंने अल्लाह पे तवक्को पे काम किया है, ठीक है ना, अल्लाह का शुक्र है उसकी ज़ात का, अब लोग कुछ समझ गए हैं। साजिद नवापुरी की इस खिदमत से ये बात जाहिर होती है कि दरख्त अपना फल खुद नहीं खाते, दरिया खुद अपना पानी नहीं पीते। पता है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असल जिंदगी है।